ओ तेरी की वो रे। ओ भाई इधर आ जल्दी। नहीं नहीं इधर आ, वो देख। ओ भाई ओ हो, चिपट गए तो भाई पकड़ेंगे। नहीं चिपटते, लंगूर नहीं करते कुछ। कर डाला दीवाना। तो दोस्तों हमने गाड़ी कर दी है पार्क यहाँ पे और हम आए हैं चकराता के मार्केट में घूमने के लिए, और जो है आगे की तरफ जा रहे हैं मार्केट में। कुछ ऐसा है मार्केट यहाँ का। प्लास्टिक की खाली बोतलें यहाँ डाले, देख लो भाई साफ सुथरा रखने का इंतजाम है यहाँ पे, प्लास्टिक कचरा नहीं करने का। और मार्केट, छोले भटूरे, बेकरी, तो भाई मार्केट हमने घूम ली है और जा रहे हैं वापस। वापस नहीं, बेसिकली हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। और शॉपिंग में हमने लिए हैं ये टॉयज। निकुंज ने लिए हैं अपने, किसके लिए लिए भाई? नेफ्यू नीस, नेफ्यू के लिए। अच्छा निकुंज, गुड निकुंज। और हमने लिए हैं क्रीम रोल। ऊपर बच्चा नीचे कुत्ता। और ये खड़ी अपनी गाड़ी निकाल दे भाई। नीचे की तरफ से जाना था ना वहाँ पे चिरमरी पॉइंट पे, नीचे की तरफ से जाना है। थोड़ी सी जो है ठंड हो गई, जैकेट चेंज करते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ चिरमरी पॉइंट पे। ये दोनों कहाँ रह गए? नीचे की तरफ से बताया था ना उनने, है नीचे बताया था ना। चलो चला जाए, पहाड़ी पे खड़े हो गए। तो गाइज हम लोग आ गए सन, क्या था इसका नाम, सनसेट पॉइंट ऑफ चिलमिरी लेक। चिलमिरी लेक, चिलमिरी लेक कहाँ है? चिलमिरी पॉइंट है वे यार। तो दोस्तों हम आ गए चिलमिरी। तो दोस्तों मुझे थोड़ा लेक लेक याद रहते हैं, वहाँ पे बहुत लेक है। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपको ही असुविधा के लिए हमें खेद है। जेब में छेद है, 16 आने से जवाब नहीं कोई भेद है। तो भाई हम आ गए चिलमिरी पॉइंट पे और ये है सनसेट पॉइंट ऑफ चकराता। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को व्यू कैसा है यहाँ से। यहाँ पे सब पार्किंग वगैरह हो जाती है, उधर से हम लोग आए हैं। पॉइंट कुछ इस तरीके का है, सनसेट ऐसा है। ट्रैकिंग कुछ ज्यादा हो जाएगी यार शाम को, ऊपर की तरफ है वो। वाह वाह सनसेट पॉइंट कितना बढ़िया दिख रहा, मस्त एकदम। ओहो हो, यहाँ आके लग रहा है कि हाँ भाई क्रिसमस पे आए हुए हैं लोग यहाँ पे घूमने के लिए। फोटो खिंचवा लो ये दोनों, देखो भाई जहाँ जाएंगे फोटो शूट में लग जाएंगे दोनों के दोनों। ये अपना सेल्फी सेल्फी भाई, और ये पोजर भाई, ये फोटो शूट भाई, और अपन ब्लॉगिंग भाई। हाँ चलो उधर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम लोग यहाँ खाना खाने रुके हैं। ये है छोटू, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या? नाम नाम, अरे नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है इसका? बबली क्या? बबिक। बबिक इधर आओ, देखो दिखाऊं मैं, आओ इधर आओ। बड़ा क्यूट क्यूट बच्चा, क्यूट काफी। ऐसे करें? अच्छा रोनिस से कह रहा ऐसे करो और वैसे करो। ये मस्ती कर रहा है। ये हमारा बॉलर क्या कह रहा है वो? गाइज ये देखो रात का नजारा, नाइट मोड में पहाड़ दिख रहे हैं। इस समय रात के बज रहे हैं 8, हमें आंखों से तो कुछ नहीं दिख रहा, कैमरे से देखो पहाड़ दिख रहे हैं। और यहाँ पे हो रही है बॉनफायर, तो हम लोग मजा आ रहा है। देखो चाहो चाहत हाउस द जोश। ये भी खींचिए,
बाकी होटल का देखो व्यू कुछ इस तरीके का है रात में, वेरी नाइस। गर्मा गर्म हाथ सेक लेते हैं। तो दोस्तों द डे इज ओवर और हम लोग आज गए हैं अपने अपने रूम में, मतलब बेसिकली अपने हॉस्टल में वापस। हॉस्टल लाइफ इज बैक। और ये देखो, ये रहा लैंप, ये रहा मेरा बेड एंड सब लोग आ गए हैं। इस समय टाइम क्या हो रहा है अभी, 12:30 बजे, कितना हो रहा है, 12:37 हो रहे हैं इस समय। दिखा देता हूँ, देखो हम लोग कैसे सो रहे हैं, कितना कूल लग रहा है वैसे सोते समय, एकदम अपने कॉलेज टाइम की याद आ रही है। सेकंड एसी में बैठा ये हो रहा निकुंज, ये रहा योनित रोनित। विल सी यू एट 7 AM इन द मॉर्निंग इन चक्राता। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस आशीष एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द वियाशी व्लॉग्स। और अभी हो गई है क्रिसमस की मॉर्निंग एंड सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग जाने का प्लान हो रहा है टाइगर फॉल का। और मैंने आपको 2-3 क्लिप दिखाई दी हैं कि कैसी लग रही है मॉर्निंग, देखो कितनी बढ़िया धूप आ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, धूप के साथ साथ मैं शायद रूम का व्यू दिखाना भूल गया था अपने, जो बंग बेड्स होते हैं हॉस्टल में उसका, तो मैं बंग बेड भी आपको दिखाता हूँ हॉस्टल में कि किस टाइप के होते हैं और कैसे हम लोगों ने रात बिताई है इस बंग बेड पे। तो दोस्तों ये था हमारा रूम, अब तो मैस्ड अप है। ये बाथरूम है, बाथरूम खैर नॉर्मल होता है, क्या ही दिखाऊँ आपको, थोड़ा मैस्ड अप हो रहा है। और इस तरीके होते हैं बंग बेड्स, ये हमारे 2 बंग बेड स्लीपर कोच और ये था मेरा, इधर मैं सो रहा था, इधर विंडो है छोटी सी, इधर दूसरा पार्टनर अपना सो रहा था, इधर रोनित और दूसरा पार्टनर, इधर हमारी ये वाली विंडो थी, सामने से ये वाला व्यू आ रहा है। और कुछ ऐसी है फ्लोरिंग, कुछ ऐसा इसका सीलिंग। एंड अभी हो गई है पैकिंग वगैरह सबकी और चल रहा हम नीचे। चले भाई, रेडी के रेडी स्टेडी गो, चलते हैं और मिलते हैं आपसे टाइगर फॉल, या रास्ते में नाश्ता वास्ता करेंगे तब करते हैं बातें। और तो दोस्तों रात की रोटी कुछ बच गई थी हमारे पास, तो सोचा लंगूरों को दे देंगे। वे देखो यार, अबे नीचे तो बहुत सारे लंगूर हैं, ओ तेरी की, वो रे, ओ भाई इधर आ जल्दी, नहीं नहीं इधर आ, वो देख, ओ भाई, ओ हो, नहीं चिपटते लंगूर, नहीं करते कुछ लंगूर से। अबे तो डर के चले गए सारे, अबे तो भाग गए सब, अबे यार सारे चले गए। मैं ऐसे ही रख देता हूँ रोटी, लाओ ऐसे ही रख दे रोटी सब। ये यार इधर स्लिप है थोड़ी सी, ये स्लैप है थोड़ा सा, तो इसके ऊपर रख देते हैं रोटी, खाएंगे तो खा लेंगे, इन्हें लग रहा है हम परेशान कर रहे हैं इनको, तो यहाँ पे रख देते हैं रोटी और देखते हैं खाएंगे तो खा लेंगे। भाई ये लो, ये रख दिए रोटी खानी होगी खा लेंगे, बाकी हम चल रहे हैं आगे, कुछ रोटियां और बाकी हैं, हमने रात को खाई नहीं, वो डालेंगे गाय को। चलो भाई,
तो दोस्तों हमने कर लिया है नाश्ता अपने आई लव चक्राता वाले पॉइंट पे। एक साइड में ये वही पॉइंट है जहाँ हम कल भी रुके थे। ये रही मार्केट, ये इधर है, इस तरीके का है। ये रोने थे पीछे निकुंज। अबे तू कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है? और ये अपना चीता। चीता की थोड़ी हालत थोड़ी डाउन है आज, थोड़ा सा मतलब क्या ही बताया जाए। डाल देना तो दोस्तों इसी बात पे लगा दो नारा, बोलो शंकर भगवान की जय। चलो भाई तो दोस्तों अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत सामान की चीज़ें देख रहे थे हम लोग। और ये देखो यहाँ से टाइगर फॉल का रास्ता स्टार्ट होता है। ये है गेट टाइगर फॉल, कुछ इस तरह दिखेगा जैसे यहाँ पे फ़ोटो में दिख रहा है आपको। ये रही फ़ोटो। एंड इधर लिखा, इधर यहाँ की रेंज कुछ इस तरीके की दिख रही है। ये रही एंड शान से बड़े हैं पहाड़ यार, बहुत ज़्यादा। सर्दियों का समय इसलिए पहाड़ भूरे भूरे दिख रहे हैं, ग्रीनरी काफ़ी कम है। बाकी टाइगर फॉल चलते हैं आज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली या तो वापस निकलेंगे या फिर मसूरी जाएंगे। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम कंज्यूम होता है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कि ये लिखा है कि टाइगर फॉल 50 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला एक सुंदर मनमोहक पानी का झरना है। फॉल तक पहुँचने के लिए संरचना सुविधा के साथ लगभग 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता विकसित किया गया है। पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ जैसे पार्किंग, शौचालय, विजिटिंग कियोस्क, अच्छा विजिटर कियोस्क, देखने के मंच, चेंजिंग रूम, पुल इत्यादि अवेलेबल। चेंजिंग रूम मीन्स हो सकता है कि गर्मियों में लोग नहाते भी होंगे यहाँ पे। तो चलो वहाँ पहुँच के ही पिक्चर क्लियर होगी कि क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं टाइगर फॉल की तरफ। और यहाँ पे देखो लिखा है वेलकम टू टाइगर फॉल। एंड यहाँ पे स्टॉप कलेक्ट योर टिकट का साइन लगा है, मतलब कोई टिकट वगैरह कटती है यहाँ की, उसके बाद आगे जाने का मिलेगा। भैया से देख, गाड़ी ले जाने का रास्ता है नीचे, गाड़ी ले जाने का सामने से 2 किलोमीटर। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो टिकट लेना है कि चार लोग हैं? तो दोस्तों हमने ले लिया है गाड़ी वाला रास्ता। आप अगर टाइगर फॉल पॉइंट पे आओ तो वहाँ पे दो रास्ते, अगर आप टैक्सी से या फिर यहाँ लोकल किसी व्हीकल से आते हो तो आपको यहीं पे उतार देंगे जहाँ से हमने टिकट लेते ना वो, और वहाँ से एक सीढ़ियों वाला रास्ता जो आपको डायरेक्ट टाइगर फॉल पे ले जाता है। दूसरा अगर आपके पास व्हीकल है या आप कैब करके आए हो तो आप डायरेक्ट टाइगर फॉल तक गाड़ी से भी जा सकते हो। वहाँ से जाने के बाद 100 मीटर का बता रहे हैं कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमने वही चूज़ करा है, हम गाड़ी से जा रहे हैं आगे। एंड ये जो रोड है काफ़ी नैरो है, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू ले। आएगा कहाँ से ये तो बताओ, बारिश से ही तो आता है पानी। तो गाइस देखो जो गाड़ी वाला रास्ता है वो कुछ इस तरीके का है, और जो सड़क पक्की सड़क थी उससे नीचे आपको उतरना पड़ेगा। और उसके बाद रास्ते की हालत यहाँ से कुछ ऐसी है, जबकि ये तो सर्दी का समय है उसके बाद ये हालत है, और जब बरसात का समय होगा तब तो आप समझ ही जाओ कि क्या हालत होगी सड़क की। कीचड़ ही कीचड़ मिलने वाला है यहाँ पर। अभी से ही जो है हल्का हल्का पानी दिखना स्टार्ट हो गया, ऊपर से ही आ रहा है कहीं से पानी। एंड सड़क अगर बनेगी भी तो भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड देख लो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ी थोड़ी ठीक ठाक लानी पड़ेगी और संभाल के चलानी पड़ेगी गाड़ी। चलते हैं, पहुँचते हैं टाइगर फॉल पे। तो गाइज हम लोग आ गए हैं टाइगर फॉल वाली लोकेशन पे। इधर से सीधे सीधे आए हैं और जो है यहाँ पे एक पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग, यहाँ पे अपने लगा दी अपनी गाड़ी। अब इधर से जो है रास्ता जाता है टाइगर फॉल की तरफ 100 मीटर के आसपास का। तो इधर से जो है ऐसे ऐसे जाएंगे टाइगर फॉल की तरफ। चल रहे हैं टाइगर फॉल पे और मिलते हैं आपसे वहीं पे। ये है भाई रास्ता टाइगर फॉल का। एंड यहाँ पे लिखा है प्लीज़ डू नॉट लिटर, ये है यहाँ पर चेतावनी। और रास्ते के बराबर बराबर से जा रही है नदी। ये आ रहे हमारे चीते, फोटो खिंच आते समय खिंचवा लेंगे, अभी पहले चल रहे हैं वहीं पे ही।
ये उन भाइयों के लिए जो कि शराब पीते हैं, शराब पीना मना है, 5,000 रुपए का जुर्माना है। वाह वाह वाह, टाइगर फॉर इसलिए मना करा गया है क्योंकि यहाँ लोग शराब पी के खाई में छलांग मार देते हैं लैला को जाते हैं। तो इन्होंने कहा जनसंख्या कम हो जाए, इससे अच्छा है कि यहाँ पे जुर्माना लगा दिया, वार्निंग लगा दी जाए। ये बात सही है। पानी कहाँ से आ रहे हैं देखते हैं, पड़ताल करके हैं ये वाला। ओ भाई साहब देख कच्चे तौलिया वाले सूख रही हैं, लोग नहा रहे हैं इस समय भी। मैं तो कह रहा हूँ नहा लो, मैं तो रेडी नहाने के लिए, कोई है रेडी नहाने के लिए? ये कैंप वालों के हैं, ये कैंप वाले नहा रहे होंगे, ये कैंप पे तो यहाँ के जो यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छे जी, चलो गाइस आगे चलते हैं, फिर जो है आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे। ये देखो दोस्तों झरने का कितना बढ़िया खूबसूरत जो है पानी, एकदम साफ साफ क्रिस्टल क्लियर ऊपर से वो बह रहा है झरना, और यहाँ से रास्ता जा रहा है कुछ इस तरीके से। हो सकता है झरने की वजह से मेरी आवाज़ ना आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये देखो, ये देखो, और यहाँ से ये देखो झरने झरना वो गिर रहा है झरना, एंड कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है एकदम। अरे भाई साहब यार बहुत बढ़िया झरना है, तो वर्थ इट है, वर्थ इट। भाई साहब वर्थ इट है यहाँ तक आना, दिस इज सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। ओ भाई रेनबो भी बन रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये देखो भाई बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया। एंड ये सब लोग फोटो वगैरह करवा रहे हैं एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पोज वोज चल रहे हैं, और इंद्रधनुष अब इधर दिखने लगा है, ये पोज बना रहा है इधर, एंड निकुंज उधर घूम रहा है। मैं थोड़ा ऊपर चल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा पानी की ना बूंदे वगैरह आ रही हैं। ये देखो वेरी नाइस, पानी का सोता। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से एंड दिखाते हैं और क्या क्या अच्छे नज़ारे मिलते हैं यहाँ पे। चलो चला जाए। अरे मैंने कहा था कि हम टाइगर फॉल पे मिलेंगे अगर होएगा तो, बहुत बढ़िया हम मिल ही गए। हम 2 घंटे से टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। 2 घंटे तुम कैसे आए? स्कूटी। स्कूटी रेंट करी? वही चकरा था सही, बड़ा खराब है ना। अच्छा क्या क्या रेंट लिया स्कूटी वाले ने? 700 रुपए। कितने? एक दिन के लिए? चौबीस। अच्छा चलो सही है, एंजॉय कर, हम तो निकल रहे हैं ना। चलो 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 दोस्तों चल रहे हैं वापस। अच्छा राज हमारा टाइगर फॉल का सफर, और अब चल रहे हैं हम वापस मेरठ के लिए। तो दोस्तों हम चकराता टाइगर फॉल से आ गए हैं ऊपर, जहाँ पे हमने टिकट लिया था उस वाली लोकेशन पे, खड़ी गाड़ी वगैरह। अभी हम जा रहे हैं, व्यू पॉइंट है यहाँ पे टाइगर फॉल वाले पॉइंट पे। आजा चल ले रहा ऊपर, आजा थोड़ा सा अच्छा व्यू दिख जाएगा यहाँ से। व्यू पॉइंट धूप से को बाय, धूप धूप धूप। अबे ट्रैक करना है वहाँ तक, ये तो अच्छा है ट्रैक के लिए वहाँ तक है। ट्रैक का बस पॉइंट सा बना रखा है कुछ, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। इन केस अगर ट्रैक किसी को करना हो
तो यहाँ से वो नीचे से इधर पीछे से ऐसे घूम के इधर से जा सकता है। ये जा रहा ट्रैक और वो रहा सारा टाइगर फॉल वाला पानी। तो यहाँ थोड़ी सी धूप सेकते हैं और ले चलते हैं गाड़ी डायरेक्ट देहरादून, देहरादून से मेरठ। तो जा रहे हैं दोस्तों देहरादून वापस, देहरादून में थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे उसके बाद मेरठ। तो दोस्तों ये देखो आई लव चकराता, हम लोग वापसी में आ गए मेन मार्केट चकराता में। फिर से तीन बार चक्कर लग गया इस वाले तिराए का। देखो कितनी बढ़िया सनलाइट पड़ रही है मेरे फेस पे एंड रास्तों की थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं उसे सिनेमैटिक वीडियो शॉर्ट्स निकलवाते हैं रौनक से, क्योंकि मैं तो करता हूँ ड्राइव, तो आप इंजॉय करो इन शॉर्ट्स। तो दोस्तों अभी जो है खाने का टाइम हो रहा था यार, लगभग तीन कुछ बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो खाना ही खाया जाए। एक बेस्ट लोकेशन मिली है पहाड़ों पे, ये बोर्ड भी लग रहा था आई लव पहाड़, और ये देखो क्या ऑसम लोकेशन है पीछे। तो यहाँ पे जो है मैं खाना खा रहा हूँ एंड रोनित है, निकुंज है, ये लोग गाड़ी से अभी सामान निकाल रहे हैं। तो दोस्तों हमारी चकराता वाली सीरीज जो कि सिर्फ दो एपिसोड की थी, आई होप आप लोग पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कि किस सीरीज के ऊपर बनाते हैं और क्या बनाते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।